तपस्या हमने क्या की? जिन लोगों ने प्राणों की आहुतियां दे दी उनके कुल धन्य हो गए। और जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो वो दिख भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन उन सब में फिर से प्राण आ गए होंगे। तो सब क्रॉस होने वाले हैं पूरे। अभी चुनाव जब आएगा तो यहाँ सबका सुपड़ा साफ होने वाला है। मोदी जी कहते हैं कि NDA के साथ 400 पार करेंगे। मैं कहती हूँ नहीं, अकेले BJP 400 पार करेगी और NDA की सीटें उसके अलावा होगी। सरकार NDA की ही होगी। राम की लहर नहीं है, राम की तो हिलोरें ही समुद्र हैं। राम तो और सनातन से अनादिकाल से अनंत काल तक राम हैं इस देश की धरती पर। लेकिन राहुल गांधी को ऐसा कहना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनने तो अपने एफिडेविट में ही राम का अस्तित्व नकार दिया था। इसलिए जिन्हें राम के अस्तित्व को माना ही नहीं है, वो ना उन्हें लहरें देखेंगी ना हिलोरें देखेंगी। गठबंधन को लेकर क्या कहेंगी? जो कुछ भी नहीं है तो गांठ ही नहीं जुड़ेगी। अभी गांठ जुड़ती है और खुलती है, जुड़ती है और खुलती है। आप इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि विपक्ष ने ठीक से जिम्मेवारी से अपनी भूमिका नहीं निभाई है, क्योंकि विपक्ष की भी देश के प्रति जिम्मेवारी होती है। खाली आलोचना करना उसका काम नहीं होता, कुछ जिम्मेवारी भी होती है जो उन्हें नहीं निभाई। इसलिए जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट पड़ेगा वो विपक्ष के खिलाफ पड़ेगा कि आपने विपक्ष का रोल ठीक से नहीं निभाया। जो मुख्य मुद्दे थे, जो उठाए जाने चाहिए थे, वो आपने नहीं उठाए। आपने वो उठाए हैं जिनको हमने अपना अपमान समझा, जैसे राम लहर नहीं है ऐसा बोल देना। तो इसलिए वोट अब हमारे खिलाफ नहीं पड़ना, उनके खिलाफ पड़ना है। और उसका परिणाम ये निकलना है कि रही सही कसर, मुझे तो लगता है कांग्रेस लोकसभा में 15-20 सीटों पर सिमट जाएगी। लोकसभा के अंदर हमारी तो आस्था अयोध्या मथुरा काशी तीनों पर है। 1991 में जब वर्षिप बिल आया था, अयोध्या को विवादित मान करके अलग कर दिया गया था और मथुरा और काशी प्रतिबंधित कर दिया गया था कि वो उसी के अंतर्गत रहेगा। मैं तो पहली वक्ता में ही थी, बहस मैंने ही शुरू की थी उस पर। और मैंने यही कहा था पार्लियामेंट के अंदर कि आप अयोध्या के साथ मथुरा और काशी को भी विवादास्पद स्थान मान लीजिए और आस्थाओं का टकराव मत मानिए। मामला कोर्ट में है मथुरा और काशी का, लेकिन मथुरा और काशी पर मंदिर बनना चाहिए मेरी आस्था कोर्ट में नहीं है, ये मेरे दिल में है, ये रहेगी और ये तब तक रहेगी जब तक मंदिर नहीं बन जाएगा वहाँ पर भी।